वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 हुंडई वर्ना, जो कि आप देख रहे हैं अभी ब्लैक कलर के अंदर। हुंडई वर्ना 2023 का प्राइस 10.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 17.38 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस मेनली ऑफर किए जाते हैं, जो कि है 1.5 लीटर NA पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर मेनली फोर वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि है EX, S, SX और SX ऑप्शन। SX और SX ऑप्शन के अंदर आपके यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। बाकी इस पर्टिकुलर कार की अगर बात करें तो यह है हुंडई वर्ना का 1.5 लीटर टर्बो के अंदर टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शन, जिसका कितना एक्स शोरूम प्राइस है 15.99 लाख रुपीस। इस कार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स ओवरऑल ऑफर किए जाते हैं, एंड क्या कुछ ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो यहाँ से खोलते हैं पहले इसका हुड एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसका इंजन में। यहाँ पर जो आपके इसके अंदर 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है ना, वो ना इसके अंदर प्रोड्यूस करता है अराउंड 160 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। रियल लाइफ माइलेज आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 14-15 तक मिल जाएगी, बाकी कंपनी क्लेम अराउंड 20 कर रही है। यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, एंड सरप्राइजिंगली ये जो टर्बो इंजन है ना, ये आपको बेटर माइलेज निकाल कर देता है आपके NA पेट्रोल इंजन से। बाकी ना हुड भी इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो बिल्ड क्वालिटी भी डेफिनेटली इस कार की इम्प्रूव की गई है। चलिए बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें सेंटर में देखने को मिल जाता है हुंडई का लोगो। नीचे आप इसकी LED DRL देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल बढ़िया लग रही है। पूरी आपको यहाँ पर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक LED DRL मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसमें हेडलैम्प यूनिट दिया गया। यहाँ पर आपको इसमें दो यूनिट्स मिल जाते हैं, लो बीम के लिए एक आपको दिया गया, हाई बीम के लिए, और एक आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग लैंप इसमें ऑफर किया जाता है। इंडिकेटर आपके यहाँ हेलोजन में मिलेगा। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस कार में आ रहे हैं। ग्रिल आपके यहाँ पे डार्क क्रोम के अंदर पूरी ऑफर की जाती है। फॉग लाइट्स का ऑप्शन आपके यहाँ इस कार में नहीं मिलता है, एंड ओवरऑल कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कंप्लीट इस कार का फ्रंट प्रोफाइल का लुक मिल जाता है। मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है कार ब्लैक कलर के अंदर। आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ना साइड में आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं 16 इंचेस के ब्लैक कलर के अंदर इसके पूरे अलॉय व्हील्स, जो कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन के साथ आते हैं। टायर प्रोफाइल मिलती है 205/55R16। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं। अगर यही आप DCT में लेंगे तो उसके अंदर आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाएंगे। रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। ओवर बीम्स कुछ इस तरह के आने वाले हैं, जिन्हें कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। LED साइड टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर आ रहा है। बाकी पूरी क्रोम विंडो लाइनिंग है, क्रोम डोर हैंडल्स है इस कार के अंदर। ऊपर की साइड पर आपके यहाँ सनरूफ भी मिल जाएगी, एंड पीछे आपके यहाँ शार्कफिन एंटीना दिया गया। रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है, अंदर आपको यहाँ पर एक कर्टन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इसे ना आपको यहाँ पे मैन्युअली पूरा का पूरा एडजस्ट करना पड़ता है, एंड ये आप देख सकते हैं ऐसे कुछ इसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए बैक प्रोफाइल की, तो ना यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ इस तरह की इसकी कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। टेल लैम्प्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मस्त है। सेंटर में हुंडई के लोगो, वरना की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा इस कार के अंदर आ रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रम ब्रेक्स इसमें आपको मिल रही है मैनुअल टॉप एंड वेरियंट के अंदर। 1.5 टर्बो की बैजिंग आपको मिलेगी, चार पार्किंग सेंसर्स हैं, और साथ ही नीचे आपको यहाँ पर इसमें पूरा एक डायमंड पैटर्न ऑफर किया जाता है। रियर रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाएंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं कार का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है बैक से भी, एंड डिज़ाइन वाइज ना हुंडई की कार आपको बताइए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती हैं। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व 1 का स्नोफॉल कार परफ्यूम। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से एक बहुत ही ओवरऑल कूल एंड रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस मिल जाती है। इसके आप यहाँ पर नाम से पता लगा सकते हैं, स्नोफॉल मतलब कि ना आपको एक ठंडक भरा सा एहसास मिलने वाला है इसको अपनी कार के अंदर लगाने के बाद। बाकी ये परफ्यूम बहुत ही इजीली 2-3 मंथ्स तक लास्ट भी कर जाता है, और ऊपर आपके यहाँ पर फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी इसके अंदर ऑफर की जाती है। तो ज़रूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। पूरी क्रोम विंडो लाइनिंग आपको यहाँ पर इसमें जो मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल ज़बरदस्त लगती है। और अब चलते कार के अंदर एंड चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स को भी। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा इसका कीलेस एंट्री के लिए, एंड यहाँ पर अगर इसके डोर पैड की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर पूरा सिंगल टोन ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। आगे आपको यहाँ पर ओवर VM के कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पर आपको पूरी एम्बिएंट लाइट मिलती है, जो कि मैं आपको कार के अंदर चलकर दिखा दूंगा। यहाँ पर है डोर हैंडल, यहाँ पर बॉस की आपको बैजिंग मिलेगी, क्योंकि बॉस के आपके यहाँ स्पीकर इसमें मिलते हैं। ट्विन आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, लेदर पैडिंग वगैरह आपको यहाँ दी गई है। सीट्स की अगर बात करें तो इन्हें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट को आपको यहाँ पे इसमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक मिलने वाला है इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड का।
बाकी तो गाइस अब आ गया हूं कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और यहां पर अब आपको किसकी कीज दिखा देता हूं, तो ना यहां पर आपके स्टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की कीज मिलेगी जो कि आएगी लॉक अनलॉक रिमोटली इंजन स्टार्ट और टेलगेट ओपनर का बटन के साथ। पीछे आपको मिल जाएगा हुंडई का लोगो, यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। एंड यहाँ पर अगर सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर इस कार में ऑफर किया जा रहा है। सेंटर में आपको जाती है एमआईडी स्क्रीन, राइट में दिया गया आपको यहाँ आरपीएम मीटर, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है स्पीडोमीटर। बाकी यहाँ पर आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस मैनुअल वेरिएंट के अंदर भी ना आपको यहाँ पर इसमें एडास ऑफर किया जा रही है, आप देख सकते हो लेन असिस्ट वगैरह वाले फीचर्स आपको यहाँ इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी क्रूज कंट्रोल एंड एडास रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको मिलते हैं एमआईडी स्क्रीन के कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव इन्फो वगैरह, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर आ रहा है एंड ओवरऑल काफी कुछ आपको यहाँ पर इसमें शो हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील को आप यहाँ पर इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुली लेदर आप स्टीयरिंग व्हील मिल रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प्स है, ऑटो वाइपर्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाता है रेड इंसर्ट्स के साथ। नीचे आप जो ब्लू लाइनिंग देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी एम्बिएंट लाइट, ये पूरा पार्ट आपको एम्बिएंट लाइट वाला मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के स्विचेस, हेडलाइट लेवलर, ऑटो इंजन ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएगा एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह का आपको यहाँ कंप्लीट मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इस पर 10 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जा रही है एंड ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ सब कुछ इसमें मिल जाएगा। AM/FM ब्लूटूथ USB जैसे और भी काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ब्लू लिंक आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। वैले मोड इसमें आ रहा है। इनबिल्ट नेविगेशन भी आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाती है। ज्यादा बढ़िया एंड स्मूथ डिस्प्ले आपको यहाँ पर ओवरऑल इस कार में मिल जाती है। यहाँ पर फिर इसके एसी वेंट्स, हजार लाइट का स्विच, पूरी एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। काफी ज्यादा प्रीमियम ये चीज लगती है। वहाँ पे एक और एसी वेंट आपको मिल जाएगा। एसी कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर इस कार में ऑफर किया जा रहा है। एंड इन कंट्रोल्स के अंदर ना एक बहुत ही खास बात है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। जैसे इस बटन को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ये बन के इसके मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ से अब इसकी वॉल्यूम वगैरह भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। एंड स्पीकर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इस कार की। बॉस के स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आगे आपको यहाँ से वूफर वगैरह भी इसमें मिल जाता है। बाकी यहीं से आप इसे फिर से ऐसे कर सकते हैं, एसी के अंदर स्विच, ये एसी पे ये बन चुके हैं एसी कंट्रोल्स। फ्रंट टू वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाती है विद 3 फैन स्पीड्स, जो कि काफी अच्छी बात है। नीचे आपको 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट मिलता है, वायरलेस चार्जर है, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का स्विच है, ड्राइव मोड्स इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 मोड्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर सूट करता है टर्बो वेरिएंट जो है। यहाँ पर आपको पार्किंग का एक बटन मिलेगा, इसको प्रेस करने पर आपका कैमरा का डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैमरा का कंप्लीट डिस्प्ले। बाकी गियर की अगर बात करें तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं एंड इसके अलावा 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। रिवर्स के लगाने पर आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स का भी डिस्प्ले मिल जाएगा आपके कैमरे के साथ और सेंसर्स का डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी ऑफर किया जाता है। बाकी फिर यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर साथ आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। पीछे आपको यहाँ आर्मरेस्ट दिया गया और इसे आप ऐसे आगे पीछे भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके इस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की सीट्स मिलेंगी। ब्लैक कलर के अंदर आपके यहाँ पर फुल लेदर सीट्स इसमें ऑफर की जाती है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट लेदर सीट, साइड पर आपको यहाँ पर पूरी रेड स्टिचिंग इसमें देखने को मिलेगी एंड ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ओवरऑल अच्छा आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों फंक्शंस आपके यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको सॉफ्ट टच टाइप ऑफर किया जा रहा है। बाकी ऊपर आपके यहाँ हार्ड प्लास्टिक सी मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पर आपके इस कार में टोटल 6 एयर बैग्स ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट 2 एयर बैग्स, साइड कर्टन एयर बैग्स, यहाँ पे सीट पे एयर बैग्स आपको मिल जाएंगे और आपके यहाँ ABS, DVD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पर एडास के कंट्रोल्स हैं, रूफ लाइट्स आपको यहाँ LED में मिलेगी, सनग्लास होल्डर इसमें से जा चुका है, सनरूफ कुछ इतने साइज की यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको इसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा, इधर आपको यहाँ पर अगेन मिरर एक ऑफर किया जाता है। बाकी सनरूफ की अगर बात करें कुछ इतनी है, ओवरऑल वाइड ओपन हो जाती है, वन टच में आप इसे यहाँ पे बंद भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं और अगर इसको बंद करना है तो इसको आप ऐसे कुछ मैन्युअली बंद कर पाएंगे। और यहाँ पर इसकी रूफ लाइट जो कि अगेन आपके यहाँ LED में ही ऑफर की जाती है। बाकी तो गाइस इस कार की बैक सीट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हुंडई की किसी भी कार को बाय करना चाहते हैं, चाहे वो नई वरना हो या फिर क्रेटा हो, और जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जरूर से आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द कार की डिलीवरी दिलाने में। बाकी अब चलते हैं इस कार की बैक सीट एंड वहां चलकर देखते हैं कि क्या कुछ इस कार की बैक सीट में ऑफर मेनली किया जाता है। एंड जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक सीट है, तो इसको ना थोड़ा सा वैसे आगे कर देते हैं नॉर्मल सिटिंग पोजीशन के हिसाब से। अभी मैंने पूरी पीछे गई थी ताकि अंदर का अच्छे से आपको दिखावाऊँ
एंड ये इस कार का बैक डोर जो कि आप यहाँ पर इस पे देख सकते हैं, सिंगल टोन ब्लैक कलर के अंदर ही आपको यहाँ पूरा का पूरा ऑफर किया जाता है। यहाँ पर इस पे सिल्वर कलर में इसका डोर हैंडल, पावर विंडो का स्विच, लेदर पैडिंग आपको यहाँ पर इसमें मिलेगी, बॉस के स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। डोर ओपनिंग की बात करें तो डोर इसका ओवरऑल काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार के अंदर। एंटी एग्जिट करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आपको दो एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट मिलते हैं, एक आपको यहाँ पर इसमें आर्मरेस्ट सेंटर में ऑफर किया जा रहा है, बाकी कुछ ऐसी सीट्स रहने वाली हैं। यहाँ पर ना आपको इसके अंदर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, बाकी मैप पॉकेट्स इसमें आ रही हैं एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है इस कार का यहाँ पर बैक सीट से। एंड स्पेस एंड कंफर्ट की अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम एक इस कार में मिल पा रहा है, मतलब कमी नहीं है हेड रूम में, बट ठीक है थोड़ा और होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी वरना के अंदर आपको पता ही है थोड़ी सी स्लोपिंग रूफ रहती है, तो यहाँ पर हेड रूम ओके मैं कहूँगा कि यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह ग्रैब हैंडल मिल जाएगा एंड इधर भी आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हुक दिया जा रहा है। सेंटर में बहुत ही थोड़ा हम पे कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब चेक कर लेते हैं इस कार का बूट, तो ना इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर पाएंगे। बूट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस ओवरऑल ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, पूरा बैठ जा। तो यार देख लो इतना कुछ यहाँ पर इस कार में बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर एक सबवूफर, साथ ही बूट लाइट, नीचे आपको यहाँ स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि है एक साइज छोटा 15 इंचेस का, साथ ही वहीं पर रखी गई है इसकी टूल किट भी। और ना अब बंद करते हैं इसके टेल गेट को एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस की। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार Hyundai Verna 1.5 लीटर टर्बो SX ऑप्शन मैनुअल वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 15.99 लाख रुपीज, और ये कार ना आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है 17.90 लाख रुपीज की। तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के स्नोफॉल का परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेग्रेंस का मजा ले सके। बाकी तो यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।